चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना दांव चल रही है। चुनावी मौसम में नेताओं का दल बदल भी लगातार जारी है और जुबानी जंग भी लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी ने पूरे 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए प्रचार वाहनों को रवाना किया। बात करेंगे यूपी में बीजेपी के मेगा प्रचार की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक राजनीतिक पार्टी अपना अपना दांव चल रही है। चुनावी मौसम में नेताओं का दल बदल भी देखिए लगातार जारी है और जुबानी जंग भी आप देख रहे होंगे। और इस बीच बीजेपी ने पूरे 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए प्रचार वाहनों को रवाना किया। इस दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया। आपको यह भी बताया कि प्रचार वाहन में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, जिससे वीडियो और ऑडियो के जरिए बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। और यही नहीं, योगी सरकार ने 5 साल में कितना काम किया है ये भी जनता को इस वाहन के जरिए बताया जाएगा। तो अब वाहन पूरे उत्तर प्रदेश की गली गली और गांव गांव का रास्ता तय करेगा और बीजेपी के लिए वोट मांगेगा। और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने जो काम किए हैं उसके आधार पर ही वोट मांगने के लिए लोगों के बीच हम पहुंच रहे हैं। और सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में माफिया का राज था, जबकि अब सभी माफिया जेल में बंद है। तो आज 403 विधानसभाओं में प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई और वाहन रवाना किए। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार में माफियाओं का जिस तरीके से राज रहता था, लेकिन हमारी सरकार में सभी माफिया जेल में बंद हैं। तो 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रचार प्रसार वाहनों को रवाना किया गया है आज, और इस दौरान मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम अगर आपसे वोट अपील करेंगे और अगर हम आपसे वोट मांगेंगे तो हमने 5 साल में जो काम किए हैं उसके आधार पर मांगेंगे, हम वो बताएंगे कि 5 साल में हमने क्या काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को इस वैन के माध्यम से आगे बढ़ाने के एक नए कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में, प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का एक प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांव के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति के सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया,
लेकिन तुष्टिकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हमारा ये प्रचार अभियान प्रारंभ हो रहा है, इंद्रदेव भी अपनी कृपा हम सब पर बरसात के रूप में कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और इस प्रचार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इन सभी लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो मुख्यमंत्री का संबोधन आपने सुना, मेगा प्रचार की शुरुआत हो चुकी है, वाहनों को रवाना किया गया है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव मेरे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रदीप, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस यही था पार्टी का कि सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं वो जनता तक पहुंचाया जाए, और इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं होगा। जो वाहन वो जगह जगह पहुंचेंगे, हर एक विधानसभा में भ्रमण करेंगे, उनके जरिए ये बताया जाएगा कि 5 साल में हमने इतना काम किया है और इन काम के आधार पर हम आपसे वोट अपील कर रहे हैं। देखिए दीपिका, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जितने भी विकास कार्य किए हैं उनको वर्चुअली अगर रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका है तो सबसे बेहतरीन तरीका आज का ये जो इलेक्ट्रॉनिक रथ है, यह है जिसको आज भरी बारिश में योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर, इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इन सभी लोगों ने मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से हरी झंडी दिखाई और ये 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये जो इलेक्ट्रिक जो रथ है ये जाएगा और लोगों से लोगों के बीच में इसको खड़ा करके और 15 से 20 मिनट की जो डॉक्यूमेंट्री है वो दिखाई जाएगी कि 5 सालों में सरकार ने क्या क्या किया है। जितनी मूलभूत योजनाएं हैं सभी योजनाओं को उस डिस्प्ले के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें स्पीकर भी लगा हुआ है ताकि लोग आवाज भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं से जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के निर्देश का पूरी तरह पालन करती हुई नजर आ रही है, डिजिटली संवाद कर रहे हैं। और अगर डोर टू डोर की बात करें, जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये सभी लोग आज क्षेत्रों में निकले हुए हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे अभियान को युद्ध स्तर पर लेके चल रही है, कहीं से भी उत्तर प्रदेश को खोना नहीं चाहती है। बिल्कुल, गांव-गांव का रास्ता भी ये वाहन तय करते हुए नजर आएंगे। प्रदीप, हमने देखा था कि इससे पहले जब जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो दिग्गजों को कमान सौंपी गई थी, हर एक दिग्गज को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, हर एक विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था। ऐसे में जो वाहन रवाना किए गए हैं, क्या इसकी भी जिम्मेदारी तय की गई है? देखिए, इसकी जो जिम्मेदारी है वो सीधे विधानसभा जो अध्यक्ष है, जो विधानसभा के बूथ अध्यक्ष हैं, उनको दी गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहां पन्ना प्रमुख का भी एक पद होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी एक पद होता है। पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में तमाम कड़ियां होती है जिनको जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करता है। और इसी कड़ी में ये जो 403 रथ छोड़े गए हैं, पूरे विधानसभा में भेजे गए हैं, अगर हम बात करें तो एक विधानसभा में जितने भी बूथ हैं, हर बूथ पे एक बूथ अध्यक्ष है और उस बूथ अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी दी गई है कि अपने बूथ क्षेत्र में 500-700 घर होते हैं एक बूथ में, उस बूथ क्षेत्र में वो उस गाड़ी को खड़ा करेगा और 20 मिनट की जो डॉक्यूमेंट्री है वो लोगों को दिखाएगा और लोगों से फीडबैक भी लेगा। फीडबैक लेने के बाद वो पार्टी को रिपोर्ट करेगा और उसके बाद जो प्रचार का तरीका है वो इनका आगे जो कारवा है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, और बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, यही कार्यकर्ताओं को मंत्र भी पार्टी देती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।